तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने ही एक सिंगल डोर फ्रिज है 3 स्टार रेटिंग का, जो कि एलजी का है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाह रहे हैं कि मुझे एक सिंगल डोर लेना है और एलजी का ही होना चाहिए, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपको इस फ्रिज के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार रेटिंग से। तो फ्रेंड्स, ये है आपका 3 स्टार रेटिंग का फ्रिज, जो कि 2024 का है। और 2024 के साथ साथ फ्रेंड्स, इसकी जो यूनिट पर ईयर है वो है 174 यूनिट पर ईयर। मॉडल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये है आपका GL-B241ABWD मॉडल है। 224 इसकी नेट कैपेसिटी के साथ आता है फ्रेंड्स। ये मॉडल आपका फ्लावर प्रिंट के साथ है, ब्लू कलर का है, और साइड से भी इसका जो लेदर फिनिश है वो भी आपकी ब्लू शेडिंग के साथ आता है, ठीक है। विद लॉक सिस्टम एंड हैंडल के साथ आता है ये, और पॉकेट हैंडल भी इसमें आपको ऊपर से मिलता है। अगर बात करें इसमें फ्री स्टेपलर रेंज की, तो इसकी जो स्टेपलर रेंज है वो आपकी 135 से लेके 290 वोल्ट तक का है, यानी आपको इस फ्रिज में स्टेपलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी इसकी कंप्रेसर वारंटी 10 ईयर की देती है फ्रेंड्स, और फास्ट आइस मेकिंग के साथ ये फ्रिज आता है आपका। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बैक साइड से भी दिखा देता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स इसका बैक साइड, जिसमें कि आपको ये ग्रिल मिलती है, यानी ये कूलिंग कॉइल्स होती है, और यहाँ पर ये कंप्रेसर रहता है फ्रेंड्स, और इसमें जो ये वायरिंग होती है, ये स्प्रिंग वायरिंग होती है, ताकि जो चूहे वगैरह है वो इस वायर को ना काट सकें, ताकि आपका फ्रिज थोड़ी लंबा चले। और ये होता है फ्रेंड्स इसका ड्रेन कलेक्टर, यानी अगर कोई पानी इसमें फ्रॉस्ट कर रहे हो आप भी, तो वो सारा पानी आपका यहाँ पे ही कलेक्ट होता है। यहाँ से कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ से खोलना है और उस पानी को बाहर की साइड निकाल देना है। तो ये है आपका बैक साइड। अब मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स इसके इंटरनल फीचर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंटरनल फीचर। तो ये है फ्रेंड्स इसका इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज में सबसे पहले आपके सामने आता है ये फास्ट फ्रीजिंग जोन। फास्ट फ्रीजिंग जोन में आप जितनी भी आइस क्यूब जमाना चाहते हैं वो सब के सब यहाँ पे कर सकते हैं। तो यानी फ्रीजर इसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से बड़ा है सिंगल डोर के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। 224 लीटर का है। इसमें अगर थर्मोस्टेट की बात करें फ्रेंड, तो ये है इसका थर्मोस्टेट, जिसमें कि आप मैनुअली इसको डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं, और आप अपने मौसम के सीजन के हिसाब से यहाँ से इसको कम ठंडक और आपका समर और आपका हाई ठंडक, उस हिसाब से इसमें कर सकते हैं आप। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लाइट ऑप्शन भी मिलता है, और एक चिलर बॉक्स भी मिलता है, यानी इस चिलर बॉक्स की मदद से आप यहाँ पे दूध वगैरह हो गया, बटर वगैरह हो गया, कोई नॉर्मल ठंडी बोतल होगी वो चीज़ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। सेल्फ़ की फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो सेल्फ आपको मिल रही है, टोटली 3 सेल्फ मिल रही है। और ये जो सेल्फ होती है फ्रेंड्स, वो आपकी टफेंड ग्लास की सेल्फ होती है, यानी 100% टफेंड ग्लास होती है, जो कि नॉन ब्रेकेबल के साथ आती है, ठीक है। और इस सेल्फ को फ्रेंड्स आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी नीचे वाली सेल्फ भी आप एडजस्ट कर सकते हो और ऊपर वाली सेल्फ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही इसके वेजिटेबल की केस की बात करेंगे, तो कम से कम फ्रेंड 224 लीटर का है, तो 2 से 3 मेंबर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। 224 लीटर को सिंगल डोर है, ठीक है। वेजिटेबल भी काफ़ी बड़ा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रेंड्स इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, यानी अगर आपके ज़्यादा फ्रूट्स है तो इसके साइड करके, वेजिटेबल है तो उसके साइड रखिए, यानी इसमें मेंटेन करता है ये एक टाइप से मॉइस्चर वगैरह को। फ्रेंड्स जान लेते हैं इस फ्रिज में सिंगल डोर में कि इसमें नेट वेट कितना होता है। इसका नेट वेट होता है फ्रेंड्स 40 kg, और रेफ्रिजरेंट में 40 ग्राम आता है फ्रेंड्स, ठीक है। 224 लीटर का ये नेट है और 80 वॉट का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डोर स्पेस की अगर हम बात करते हैं, तो डोर स्पेस आपको फुल्ली लोडेड मिल रहा है, यानी सबसे नीचे भी आपको एक रैक मिल रहा है, जिसमें कि आप पाउच वगैरह रख सकते हो। ऊपर 2 लीटर की बोतलें, उसके ऊपर 1 लीटर की बोतलें आ जाएगी, और उसके ऊपर आपका किचन का जितना ही प्रोडक्ट सामान है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको 2 आइस क्यूब की ट्रे और एग की ट्रे भी देती है। इसकी अगर हम गैसकेट की बात करें, तो फ्रेंड्स इसकी जो गैसकेट होती है वो रिमूवल गैसकेट होती है, जिसको निकाल के आप क्लीन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी अगर हम वारंटी की बात करते हैं, तो कंपनी इसमें जो वारंटी देती है 1 ईयर की टोटल देती है, और 10 ईयर की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। इसमें अगर स्टैंड लगाते हैं, तो स्टैंड लगाने से पहले आप देख लें, इसमें आपको ये व्हील मिलते हैं, यानी इसमें 2 व्हील मिलते हैं, एक ये लेफ्ट टू राइट 2 व्हील मिलते हैं, जिसमें कि हाइट काफ़ी ऊपर तक होती है, यानी अगर आप इसमें स्टैंड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 224 लीटर का रेफ्रिजरेट 3 स्टार रेटिंग का एलजी का। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।